बॉलीवुड सिंगर और एक्टर आदित्य नारायण फंस चुके हैं एक बड़ी ट्रबल में। जी हाँ, ट्रबल क्या है चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे तो सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं आदित्य नारायण, लेकिन पिछले 1-2 सालों से उनके सितारे गर्दिश में मैं कहूँगा। और वो क्यों चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट खबर बता दूँ, आदित्य नारायण की जो ब्लैकिश कार है, ये करीबन ब्लैक तो पूरी तरह नहीं है, इस गाड़ी ने रिक्शे को ठोक दिया था। मर्सिडीज गाड़ी ने आदित्य की, और रिक्शे को जब ठोका तो थोड़ी बहुत इंजरी आई। पैसेंजर जो बैठा था, यानी कि ग्राहक जिसे हम कहेंगे, या फिर जो रिक्शे जा रहा था और जो रिक्शे चला रहा था, दोनों को इंजरी आई। और ये इंसिडेंट हुआ लोखंडवाला सर्कल, मुंबई का बहुत ही पॉश इलाका है मुंबई के अंधेरी के यहाँ पर। और ये केस रजिस्टर्ड हुआ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। तो 2 धाराएं लगाई गई आदित्य नारायण के ऊपर, क्योंकि आदित्य नारायण ने रिक्शा को करीबन करीबन काफ़ी, उसकी गाड़ी ने काफ़ी दबा दिया था। लाइक वो भी रास्ते की बात है, रास्ते पर की बात है, ठीक है। अब दो जो सेक्शन लगाया गया इंडियन पैनल कोड की तरफ से, वो क्या लगाया गया, एक तो 279 लगाया गया धारा 279 उनकी, उसके इस धारा के हिसाब से रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे, यानी कि गाड़ी को फटाफट यानी घाई तरह से चलाना, वो एक धारा लगाया गया है 279। और दूसरी धारा लगाई गई 338, 338, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेजिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी और अदर्स, यानी कि किसी की जिंदगी को खतरा या किसी को ज़्यादा हर्ट करना, तो उस तरह का जो धारा वो लगाई गई है। दोनों धाराएं में से ये धारा तो ऑफकोर्स दोनों धारा सीरियस है। देखते हैं इस पूरे मसले पर किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। बट स्टिल ये दूसरा मसला है। इसके पहले आपको याद होगा, 1 साल के पहले करीबन करीबन जयपुर से जब मुंबई आ रहे थे आदित्य नारायण, तो आदित्य नारायण का आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा बैगेज था, यानी कुछ लगेज एक्स्ट्रा हो गया था। तो आदित्य नारायण को कहा गया बोर्डिंग जहाँ पे पास मिलता है, क्योंकि लगेज वहीं पे प्रॉपर चेक करते कि ज़्यादा लगेज था, ठीक है। तो उनको कहा गया कि आपको कुछ कुछ 12,000 कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा शायद। और ये जब कहा गया तो आदित्य नारायण भड़क गए और ऑफिशियल को बोले, यार तू जानता नहीं मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा, कुछ और भी वायर तरह से आई थिंक। ये 30 सेकेंड का क्लिप सामने आया था। तो आदित्य नारायण ने कहा कि जो हुआ वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हर चीज़ों को आई थिंक थोड़ा बहुत गलत तरह से दिखाया गया है, और पूरी पक्ष की बात नहीं रखी गई कि दोनों तरफ क्या हुआ था, जो भी हो। लेकिन आदित्य नारायण ने बाद में इसमें कहा कि हाँ, जो भी हुआ बुरा हुआ, और उनके बाद माँ बाप को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जो बुरा हुआ था। एनीवेज, फिलहाल ये नए पचड़े में पड़ चुके हैं आदित्य नारायण। देखते हैं इस तरह के पचड़ों से वो कैसे निकलते हैं। और मेरे हिसाब से रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और जितना भी हो लिमिट में गाड़ी चलाए चाहे जो भी हो, तो वो सभी की सेफ्टी के हिसाब से बेहतर होता है। यहाँ पे गलती किसकी है, रिक्शे वाले की है आदित्य नारायण की, वो नहीं है, लेकिन इन्हें पकड़ा गया, यानी कि गलती ज्यादातर इनकी नजर आ रही है। यानी फिर जो भी होगी खबर पता चलेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइए। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।